हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं मेरा मोस्ट फेवरेट लुक। अगर आपको भी गर्मी में आता है बहुत पसीना और आपका मेकअप स्टे नहीं करता है तो ये वीडियो आपके लिए है। बिना स्किप करे ज़रूर देखिएगा, ये सुपर स्टे रहने वाला मेकअप। सबसे पहले अपनी स्किन को प्रेप कर लेंगे हम। अपने फेस पे कोई भी मिस्ट, रोज़ वाटर या फिर मेकअप फिक्सर आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मैक का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर कोई भी फिक्सर हो सबसे पहले आप उसको लगा लेंगे। अब हम लगा रहे हैं मॉइस्चराइज़र। मैं यहाँ पे एम्ब्रोली का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी आपके स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र हो आप उसको अच्छे से अपने चेहरे पे लगा लेंगे। उसके बाद फॉरएवर 52 का मैं लगा रही हूँ प्राइमर। अच्छे से अपने पोर्स को फिल कर लेंगे, फाइन लाइन्स को फिल कर लेंगे। प्राइमर, मॉइस्चराइज़र, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके मेकअप को सुपर स्टे बनाने के लिए। ध्यान रखिएगा, जो भी प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं उसको एक से दो मिनट ज़रूर दीजिएगा अपनी स्किन पे सेट होने के लिए। अब मैं लगा रही हूँ कंसीलर। यहाँ मैं अपने प्रॉब्लम वाले एरियाज़ को हाइड कर रही हूँ। अब सुंदर दिखना है तो अपने चेहरे पे जो भी दाग धब्बे हैं उनको तो छुपाना ही पड़ेगा हमें। तो हम लोग फटाफट इसको हाइड कर लेंगे। उसके बाद मैंने लिया है हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन। अपने स्किन के अकॉर्डिंग दो फाउंडेशन में मिक्स करके लगा रही हूँ। आपके पास जो भी फाउंडेशन हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। हुडा ब्यूटी के जो फाउंडेशन होते हैं वो मैट फिनिश में होते हैं तो ये लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। आप चाहें तो आप फिटमी के फाउंडेशन ले सकते हैं, वो भी थोड़ा मैट फिनिश में होता है। तो अगर आपका फेस ऑयली है तो ये आपके लिए बेस्ट फाउंडेशन है। और ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं गर्मियों में, पर सर्दियों में आपको इसमें थोड़ा ऑयल मिक्स करना पड़ेगा अपनी स्किन के लिए। अब हाइलाइटिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं मेकअप फॉरएवर का एचडी कंसीलर। आपके पास कोई भी लाइट कंसीलर हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसको अपनी आँखों पे भी लगा लिया है ताकि आई मेकअप के लिए भी हमारा बेस साथ के साथ रेडी हो जाए। अच्छे से इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। आप अपने चेहरे पे जो भी प्रोडक्ट लगा रहे हैं उसको अच्छे से ब्लेंड करिए। अब मैं ले रही हूँ फिटमी का कॉम्पैक्ट। इसको अच्छे से जहाँ जहाँ हमने अपना हमारा क्रीज लाइन बनता है वहाँ पर हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे और अपने फाउंडेशन को वहाँ पर फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं पूरे चेहरे पर जो भी मैंने फाउंडेशन लगाया था उसको मैंने कॉम्पैक्ट से फिक्स कर लिया है। अब मैंने वापस से फिक्सर लिया है मैक का। आपके पास जो फिक्सर है आप उसको लगा लीजिए और जो हमने पाउडर किया है, फाउंडेशन किया है, उसके ऊपर जब हम इसको स्प्रे करके और फिर ब्यूटी ब्लेंडर से इसको हम अच्छे से प्रेस करके मेकअप को अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। ये हेल्प करता है बीच में अगर आप ऐसे यूज़ करते हैं तो। अब मैं नोज़ कंटूर कर रही हूँ। अपने चिक्स को कंटूर करिए। अगर आपके चिक्स बहुत ज़्यादा मेरी तरह चबी नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं है। आप बाद में हम लोग पाउडर कंटूर कर सकते हैं। तो अभी मैं क्रीम कंटूर कर रही हूँ अपनी फिंगर का यूज़ करके। आप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, मेरे को फिंगर से ज़्यादा इजी लगता है। अब मैं अपने पाउडर कंटूर से अपने क्रीम कंटूर जो हमने किया था उसको मैं फिक्स कर रही हूँ। जैसे हम अपने फाउंडेशन को फिक्स करने के लिए पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट का यूज़ करते हैं वैसे ही क्रीम कंटूर को फिक्स करने के लिए हम पाउडर कंटूर का यूज़ करते हैं। पाउडर और कंटूरिंग से हमारा कंटूर जो है वो वहीं पे फिक्स हो जाएगा। हम अच्छे से अपने जॉ लाइन को, अपने चिक बोन को, फोरहेड को कंटूर कर लेंगे। अब मैंने लिया है PSC का ब्लश पैलेट। उससे मैं अच्छे से अपने चेहरे पे ब्लश कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा हम पिंक पिंक नज़र आने लग जाए।
खा पी के तो हम लाल नहीं बनते, अपने चेहरे को हम लोग आर्टिफिशियल कलर से थोड़ा रंगीन बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छे दिखे हम लोग। आजकल हम लोगों का लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो रखा है, क्या कर सकते हैं। तो अच्छा है हमारे पास ऑप्शन है, हम ये सब करके अपने चेहरे को खूबसूरत बना लेते हैं। अब यहाँ पर मैं हाइलाइटिंग कर रही हूँ, अब थोड़ा चमकाना भी तो ज़रूरी है ना। ये देखिए हाइलाइटिंग मैंने अपने नोज़ पे लगा लिया है और मैं चमक गई हूँ। अब थोड़े से गालों को चमका लेते हैं अपने। देखिए हमको अपना मेकअप जो है वो बहुत नेचुरल भी दिखाना है और ग्लोइंग भी दिखाना है, सुपर स्टे भी करना है, तो ये सारी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अब देखिए ये है ट्रिक, आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे वापस से मेकअप फिक्सर को लीजिए और जो भी हमने मेकअप किया है पूरे मेकअप पे इसको अच्छे से घुमा लीजिए। ये आपके मेकअप को वाटरप्रूफ बनाएगा, सुपर स्टे रखेगा, आपको दिन भर आप चाहे धूप में भी रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी पसीना नहीं आने वाला है। तो ये है इसके पीछे का सीक्रेट। अब आते हैं आई मेकअप पे। मैंने हुडा ब्यूटी का न्यूड पैलेट ले लिया है, ये मेरा बहुत ही मोस्ट फेवरेट पैलेट है, मैं बहुत ही उसको यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हैं कि इसके कलर्स मैंने आधे से ज़्यादा यूज़ कर लिया है। अब हमने बहुत एक लाइट सा बेस ले करके हमने आँखों पे यूज़ किया है और सिर्फ अपने कॉर्नर एरिया पे हम थोड़ा सा डार्कर शेड लेकर के, जैसे हमने फेस को कंटूर किया था ना वैसे ही हम अपने आई को कंटूर कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे हम आई कलर का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ अपने आँखों को थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए, थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए, बस थोड़ा सा हम क्रीज एरिया पे और कॉर्नर एरिया पे इसको हम यूज़ कर रहे हैं। एक जो लाइट शेड जो मैंने लिया था वो हम पूरे आँखों पे लगा लेंगे और बाकी सिर्फ एक से दो शेड हम यूज़ करेंगे सिर्फ कॉर्नर एरिया पे और उसको अच्छे से मर्ज कर लेंगे। सेम ब्राउन टोन जो मैंने ऊपर अपने आँखों पे यूज़ किया था वही मैं अपने नीचे के लैश लाइन पे यूज़ कर रही हूँ। अब आपको कुछ नहीं करना, एक जेल लाइनर लेना है, अगर आपके पास काजल है तो आप काजल ले सकते हैं और अच्छे से अपने आँखों को काजल से भर लेंगे। अपनी आँखें कजरारी बनानी है बेसिकली, हमने अच्छे से काजल लगा लेंगे। ये मेकअप बहुत सिंपल और इजी है और बहुत सुंदर लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है ये मेकअप, तो मैं मोस्टली ये मेकअप करती हूँ जब कहीं भी मुझे जाना होता है। तो ये बहुत सिंपल सोबर और क्लासी लुक देता है और आप देख सकते हैं कि इसका ओवरऑल जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत सुंदर है। यहाँ पे हम अच्छे से अपने आँखों में काजल भर लेंगे, ऊपर हम जेल लाइनर को लाइनर की तरह लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, आप क्योंकि हमने बाद में इसको मर्ज ही करना है, तो अगर आपका लाइनर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फैल भी जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो काजल हमने लगाया था उस काजल पे हम ब्लैक आई शेडो लेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उससे उसको अच्छे से मर्ज कर लीजिए अपने काजल को, ऊपर और नीचे जो लाइनर हमने लगाया उसी के ऊपर हम ब्लैक आई शेडो से उसको मर्ज कर रहे हैं। बेसिकली जो थोड़ा हार्श लाइन है वो हम थोड़ा ख़त्म कर रहे हैं, ऊपर नीचे जो काजल लगाया है उसको हम अच्छे से ब्लैक लाइनर जेल लाइनर को हम अच्छे से मर्ज कर लेंगे ब्लैक आई शेडो के साथ। अब मैंने लिया है एक ब्राउन शेडो, जहाँ पे हमारा ब्लैक लाइन ख़त्म हो रहा है उस लास्ट लाइन को हम अच्छे से मर्ज करेंगे ब्राउन के साथ में, हार्श लाइन को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ब्राउन आई शेडो के साथ में। मैं यहाँ पे ब्राउन शेड का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग भी कोई कलर चूज़ कर सकते हैं, अगर आपने ग्रीन पहना है ब्लू पहना है तो ब्राउन की जगह पे आप वो शेड लेकर के मर्ज कर सकते हैं, तो उसका भी बहुत प्यारा लुक आता है। तो ये तो हम लोग थोड़ा सिंपल रखने के लिए हम ब्राउन शेड का यूज़ कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं।
टेक्निक बस सेम रहेगी, कलर चेंज कर सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं कि मर्जिंग के बाद ये कितना अच्छा इफ़ेक्ट आ रहा है आंखों का। मैंने थोड़े से विंग्स दिए हैं, आप चाहें तो विंग्स अवॉइड कर सकते हैं। आप जितना अच्छा मर्ज करेंगे आंखें उतनी ही खूबसूरत लगेंगी और बहुत ज़्यादा हार्श नहीं लगेगा। अब मैंने ले लिया है मस्कारा, वाटरप्रूफ मस्कारा है ये, मेबलिन का वॉल्यूम मस्कारा है। लिपस्टिक के लिए भी मैं दो शेड का यूज़ कर रही हूँ, फॉरएवर 52 और पैक का ये लिपस्टिक शेड है ब्राउन, जो कि मैट फिनिश में है। ये दोनों को मिक्स करके ये थोड़ा सा लिपस्टिक भी हमारा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। और ये हो गया है हमारा मेकअप कंप्लीट। अगर आपको मेरा मेकअप पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच गाइज मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइज। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये लुक आपको कैसा लगा। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, RiyaChandra05 और RiyaChandra Official, ये मेरे दो अकाउंट है। थैंक यू सो मच।